डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मृगांक। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल 7 से लेकर 13 अगस्त की। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले, यदि आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल एसोसिएट्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सप्ताह का हाल। आपका यह साप्ताहिक राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए जानते हैं मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही सामान्य रहेंगी। घरेलू जीवन में कुछ अशांति का वातावरण देखने को मिल सकता है। इस बीच माताजी की सेहत में भी कुछ गिरावट संभव है, अतः अपनी माताजी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान अवश्य रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस सप्ताह आप कोई नई प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना आपके लिए आवश्यक होगा क्योंकि आपको मानसिक शांति का अभाव रह सकता है। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाना थोड़ा सा मुश्किल महसूस होगा, इस वजह से उनको परीक्षा में शायद आशानुरूप परिणाम ना मिल पाए। बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन देखा जा सकता है, वे इस दौरान अधिक तुनक मिजाज भी हो सकते हैं। हालांकि आपके भाई बहनों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा बीतेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे, लेकिन इन्हीं प्रयासों की बदौलत आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी संभव होगी। करियर में उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु इस बीच हिम्मत बिल्कुल ना हारें और धैर्य बनाए रखने, आवश्यकता के आधार पर आपको अच्छे कार्य का प्रतिफल मिलता रहेगा। अगर बात करें आपके प्रेम फल की तो सप्ताह प्रेम प्रसंगों के लिए अनुकूल है। एक और जहां साथ में किसी जगह घूमना हो सकेगा तो वहीं थोड़ी बहुत प्यार वाली नोकझोंक भी संभव है। शुरुआती दिनों में आप काम और प्रेम के बीच में सामंजस्य बिठा सकेंगे। किसी सहकर्मी से आत्मीयता बढ़ने के भी योग हैं। सप्ताह के मध्य के बहुत ही अच्छे रहने के संयोग हैं, लेकिन सप्ताहांत थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको इस सप्ताह 5 में से 3.5 स्टार और उपाय के रूप में बुधवार की शाम को 7 भूरे रंग के जटा वाले सूखे नारियल अपने सिर से वार कर चलते पानी में बहाना आपके लिए उत्तम रहेगा। आइए जानते हैं वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके किसी यात्रा पर जाने के योग बनते दिखाई देते हैं। अपनी मेहनत और प्रयासों से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन लाभ होगा। इस हफ्ते आपको विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपके पारिवारिक माहौल में खुशियां बनी रहेंगी, हालांकि किसी गलतफहमी के कारण कुछ खलल भी पैदा हो सकती है। माताजी के साथ आपका विवाद संभव है, इसलिए जहां तक संभव हो इसे टालने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में आप थोड़ी थकान का अनुभव भी करेंगे, इसलिए इस थकान को दूर करने का उपाय करें। वीकेंड में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, इस दौरान आपकी इनकम में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर छात्र अपनी पढ़ाई में जमकर पसीना बहाएंगे, जिसका उन्हें परीक्षा में लाभ भी मिलेगा। दूसरी ओर आपके बच्चे सहजता के साथ ये सप्ताह व्यतीत करेंगे, खेलकूद के अलावा पढ़ाई में भी उनका मन खूब लगेगा। दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। इस सप्ताह आपके भाई बहनों को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते आपका साहसी रूप देखने को मिलेगा, जो लोगों के लिए प्रेरणादायक से इस हफ्ते लोगों को आपका साहसी रूप भी देखने को मिलेगा। बात करें प्रेम फल की तो इस सप्ताह बहुत सारी प्यारी बातें होंगी। कभी कभार पुराने मामलों को लेकर शिकायती लहजे में भी कुछ बातें हो सकती हैं। कुल मिलाकर प्यार के मामले में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी औसत है, लेकिन सप्ताह के मध्य के बहुत ही अच्छे रहने के योग बनते हैं। सप्ताह के अंत में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। भाग्य स्टार के रूप में सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार और उपाय के रूप में माँ दुर्गा की आराधना करें और उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का हाल।
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रहेगी, जबकि सप्ताह का मध्य में आपको उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह के अंत में आपको राहत भी मिलेगी। आपको इस सप्ताह अप्रत्याशित धन हानि हो सकती है। अप्रत्याशित अर्थात ऐसी कि आपका ध्यान उस ओर ना जाए, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी धन हानि हो जाए, इसलिए सोच समझकर धन का प्रयोग करें। आपको मानसिक तनाव भी रह सकता है, इस तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस सप्ताह आपके पिताजी की सेहत कुछ कमज़ोर रह सकती है, अतः उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके परिणामों को अनुकूल बनाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके भाई बहनों को किसी प्रकार की समस्या रह सकती है। वहीं संचार के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संचार माध्यमों से आपको कोई अच्छा समाचार भी प्राप्त हो सकता है। नए नए लोगों से आपका संपर्क बनेगा। वहीं घरेलू जीवन में आपको शांति मिलेगी। छात्र भी अपनी पढ़ाई में खूब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो बच्चों को आपके प्यार की ज़रूरत महसूस होगी और उनकी ज़रूरत को आप पूरा करने की कोशिश करें। अपनी भाषा में कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका प्रेम फल। यह सप्ताह प्रेम प्रसंगों के लिए अनुकूल है, लेकिन किसी नई जगह पर घूमने जाने का ना प्लान बनाएं तो बेहतर होगा। प्रेम में पारदर्शिता बनाए रखें। सप्ताह के शुरुआती दिनों में अनुकूलता थोड़ी कम रहेगी, अतः पूर्णता मर्यादित रहने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के मध्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन सप्ताह का अंत के काफ़ी मज़ेदार रहने की संभावनाएं बन रही हैं। भाग्य स्टार के रूप में सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार और उपाय के रूप में रोजाना गौ माता की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। तो चलिए जानते हैं कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस पूरे सप्ताह आपकी सेहत में उतार चढ़ाव भरी परिस्थिति देखने को मिलेंगी, लिहाजा अपनी सेहत पर अवश्य ध्यान दें। भौतिक सुख सुविधाओं में आपका खर्च बढ़ सकता है। मन में वासनात्मक विचार आ सकते हैं। आपके बच्चे थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं और छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। घरेलू जीवन में कुछ अशांति का वातावरण हो सकता है। इस दौरान आपको अपने मानसिक तनाव को हावी होने से बचाना होगा। हालांकि कार्य के चलते आप ज़्यादा व्यस्त भी रहेंगे। अपने खाने पीने की आदतों पर थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे भोजन से परहेज करें जिससे आपके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे। प्रेम फल की बात करें तो प्रेम प्रसंगों के लिए सप्ताह मिला जुला असर देने वाला रहेगा। अगर लव पार्टनर आपके करीब रहता है तो मिलने में कुछ ना कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यदि पार्टनर दूर का है तो आपका उससे मिलना संभव हो सकता है। शुरुआती दिन काफ़ी मज़ेदार रह सकते हैं, लेकिन सप्ताह के मध्य के दिन कुछ कमज़ोर हैं। हालांकि सप्ताहांत में पुनः बेहतरी आने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार और उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करें और उन्हें बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। तो आइए जानते हैं सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर सावधानी रहें। आपके विदेश गमन अथवा किसी लंबी दूरी पर यात्रा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर आप कुछ दुखी नजर आ सकते हैं। इस कारण आप अपने अन्य कार्यों पर भी उतना फोकस नहीं करना पाएंगे जितना आवश्यक है। आपकी माताजी की सेहत थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है। छात्रों को परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और इसका कारण उनकी अच्छी मेहनत रहेगी। वहीं बच्चे हंसी खुशी सप्ताह व्यतीत करेंगे। दोस्तों अथवा रिश्तेदारों के साथ कोई भेंट होना संभव है, अथवा आप उनके साथ मनोरंजन के लिए सिनेमा आदि जा सकते हैं। आपके प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होने की संभावना है। बात करें प्रेम फल की तो इस सप्ताह भाग दौड़ अधिक रह सकती है, जिससे प्रेम का आनंद बाधित हो सकता है। ऐसे में चिड़चिड़े होने से बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी नोकझोंक संभव है, लेकिन उसके बाद प्यार करने का आनंद मिलेगा। सप्ताह का अंत अपेक्षाकृत कमज़ोर रह सकता है, अतः मर्यादित रहें। भाग्य स्टार के रूप में सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार और उपाय के रूप में सूर्यदेव की प्रतिदिन आराधना करें और बुधवार के दिन सप्तधान्य अर्थात सतनजा का दान करें। आइए जानते हैं कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल। सामान्य रूप से सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। महिलाओं के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखें, क्योंकि उनके साथ आपका टकराव आपके लिए समस्याप्रद हो सकता है। इस सप्ताह आप विदेश यात्रा पर जाने का विचार कर सकते हैं। अपने बच्चों की सेहत पर ध्यान दें, उनकी सेहत कुछ कमज़ोर रह सकती है। वहीं छात्रों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की सलाह दी जाती है। घर में आपको पिताजी का सहयोग प्राप्त होगा।
वहीं इस हफ्ते आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। बात करें अगर आपके प्रेम फल की, तो प्रेम के मामले में इस सप्ताह मददगार साबित हो सकता है। यानी कि यदि आप प्रेम को विवाह में बदलने के इरादे से बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो सप्ताह आपकी मदद कर सकता है, लेकिन यदि आप टाइम पास कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी उचित समय नहीं है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, सप्ताह का मध्य मिला जुला है, जबकि सप्ताह के अंत के कमज़ोर रहने के संकेत दिखाई देते हैं। भाग्य स्टार के रूप में सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार, और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी की आराधना करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। तो आइए जानते हैं तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में शांत वातावरण देखने को मिलेगा। आपकी माताजी का स्वास्थ्य लाभप्रद रहेगा, अर्थात वो स्वास्थ्य का लाभ उठाएंगी। हालांकि घर में कुछ छोटे मोटे विवाद हो जाएंगे, लेकिन कोई भी बड़ी घटना होने की संभावना नहीं है। किसी कारण आपको अधिक गुस्सा आ सकता है अथवा आप छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़े हो सकते हैं, लिहाजा अपने स्वभाव को विनम्र बनाए रखें। बच्चों को लेकर किसी प्रकार का विवाद होना संभव है। छात्रों को भी पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना भी दिखती है। वहीं धार्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, आपकी आय में भी वृद्धि होगी। जो जातक व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं वो अपने पार्टनर के साथ अनबन होने से बचें, ऐसा संभव है कि आपकी उनके साथ कुछ अनबन हो, इसलिए इससे दूर रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें प्रेम फल की, तो इस सप्ताह दूर का कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया में कोई शख्स आपके दिल को अच्छा लग सकता है। शुरुआती दिनों में आप थोड़े से जज्बाती रह सकते हैं, ऐसे में भावनाओं के साथ साथ दिमाग से काम लेने की जरूरत रहेगी। वहीं सप्ताह के मध्य में मर्यादित तरीके से प्रेम का आनंद लें और सप्ताह का अंत अनुकूल परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। भाग्य स्टार के रूप में सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार, और उपाय के रूप में पीपल का वृक्ष लगाएं और शुद्ध जल से उसकी पूजा करें। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वाले जातक अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी रहेंगे। आपको आवश्यकता पड़ने पर अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु उनकी सेहत में कुछ कमी भी देखी जा सकती है। पिताजी का स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर रह सकता है। पारिवारिक जीवन को लेकर आपके मन में असंतोष की भावना पनप सकती है। अधिक काम के चलते आपकी दिनचर्या कुछ व्यस्त रहेगी। छात्र पढ़ाई में ईमानदारी से मेहनत करेंगे और बच्चों को अपनी प्राथमिकताओं का, अपनी जिम्मेदारियों का आभास होगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको मुनाफा अर्थात लाभ प्राप्त होगा। आपकी आमदनी में वृद्धि की प्रबल संभावना दिखाई देती है। बड़े भाई अथवा सीनियर्स आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो सप्ताह अच्छा रहेगा। बात करें प्रेम फल की, तो सप्ताह प्यार के लिए औसत रह सकता है। स्वास्थ्य या मिजाज के ठीक ना रहने के कारण प्यार के लिए समर्पण के भाव कुछ कम रह सकते हैं। ऐसे में ना केवल खुद के बल्कि अपने प्रेम पात्र के स्वास्थ्य व भावनाओं का ख्याल रखें और सप्ताह को बेहतर बनाएं। सप्ताह की शुरुआत मनोरंजक रहेगी, जबकि सप्ताह का मध्य औसत रह सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में बेहतर परिणाम मिलने के योग बनते हैं। भाग्य स्टार के रूप में सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार, और उपाय के रूप में भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें गेहूं चढ़ाएं। आइए जानते हैं धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। इस सप्ताह आपकी लंबे समय से रुकी हुई इच्छा के पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। अपने घर परिवार एवं मित्रों की ओर आपका ध्यान रहेगा और अपने लक्ष्य के प्रति आप दृढ़ निश्चयी रहेंगे। धार्मिक कार्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। आपकी कुशल संवाद शैली के कारण आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। धनु राशि के विद्यार्थी पढ़ाई में जमकर मेहनत करेंगे, हालांकि बच्चे थोड़े नटखट स्वभाव के हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को इस सप्ताह लाभ मिलने के योग बनते हैं। वहीं जॉब करने वालों को ट्रांसफर अथवा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। प्रेम फल की बात करें, तो वैसे तो सप्ताह प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है, लेकिन काम और प्रेम दोनों के लिए बराबर समय देना होगा। यदि दो में से एक के साथ भी पक्षपात हुआ तो मामला बिगड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। आप पार्टनर के साथ तीखा व स्पाइसी फूड या फास्ट फूड खा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में घूमना व मनोरंजन करना संभव होगा। वहीं सप्ताह के अंत में कुछ मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। भाग्य स्टार के रूप में सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार, और उपाय के रूप में अपने माथे
और उपाय के रूप में अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए जानते हैं मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मकर राशि वालों को अपनी भाषा शैली में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो किसी को नुकसान पहुंचाए या उसका नुकसान आपको मिले। इससे न केवल आपकी छवि नकारात्मक होगी बल्कि लोगों से आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन होने के योग बनते दिखते हैं। किसी के भी साथ बहस आदि ना करें। धार्मिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। इसके अलावा आप इस सप्ताह किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके भाई बहनों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा और जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। वहीं आपके पिछले कार्यों का परिणाम आपको इस हफ्ते मिलने वाला है। निश्चित रूप से इसमें आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। बच्चों और छात्रों के लिए भी सप्ताह अच्छे रहने के शुभ संकेत दे रहा है। आगे बढ़ें और बात करते हैं आपके प्रेम फल की। यदि पुरानी बातों को कुरेद कर नोक झोंक करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। साथ ही एक दूसरे पर संदेह करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसे में इन दोनों परिस्थितियों से आपको बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत आपको भावुक कर सकती है लेकिन सप्ताह का मध्य मिले जुले परिणाम देगा। सप्ताह के अंत में काफ़ी अच्छे और मनोरंजक परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। भाग्य स्टार के रूप में सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार और उपाय के रूप में शनिदेव की आराधना करें और उन्हें नीले पुष्प अर्पित करें। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपका मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है। इससे आपको निर्णय लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मन में किसी भी प्रकार का अनजान भय सता सकता है या कुछ होने की संभावना आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपके खर्च में बढ़ोतरी होना संभव है, इसलिए सोच समझकर धन का उपयोग करें। अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें क्योंकि इस सप्ताह आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ सकती है। यदि आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो ये समय अनुकूल है लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। इसके अलावा कानूनी मामलों में भी आपको लाभ मिलने के शुभ योग दिखाई दे रहे हैं। आपका पारिवारिक जीवन शांत व खुशहाल रहेगा। छात्र अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे और उनको परीक्षा में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं जो छात्र उच्च शिक्षा के बारे में विचार कर रहे हैं उन्हें इसमें सफलता मिलने की संभावना है। बच्चे भी इस सप्ताह आनंदित रहेंगे। कुल मिलाकर आप इस सप्ताह में विदेश यात्रा पर जाने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अधिक काम करेंगे। अच्छा होगा कि इस बीच अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। व्यापार में अपने बिजनेस पार्टनर पर थोड़ी नज़र रखें और किसी भी कागज़ पर बिना पढ़े बिल्कुल भी हस्ताक्षर ना करें। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आपके प्रेम फल के बारे में। इस सप्ताह प्रेम में अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो आप अपने आसपास अपना लव पार्टनर तलाश सकते हैं। सप्ताह के शुरुआती दिनों में भाग दौड़ के कारण प्रेम के लिए समय थोड़ा कम मिलेगा। वहीं सप्ताह का मध्य औसत है। जो कहना चाह रहे हैं उसे सूझबूझ के साथ कहें और सप्ताह का अंत बेहतर रह सकता है। भाग्य स्टार के रूप में सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार और उपाय के रूप में छोटी कन्याओं की पूजा करें और उन्हें खीर अथवा मिश्री का भोग लगाएं। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए। आपको इस सप्ताह के आरंभ में आर्थिक लाभ होने के योग बनते दिखाई देते हैं। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपके खर्चों में भी वृद्धि देखी जा सकेगी। आपके पारिवारिक जीवन में शांति एवं खुशहाली बनी रहेगी। इस बीच अपनी सेहत पर ध्यान दें क्योंकि आपको अनिद्रा, बेचैनी और आंखों से संबंधित रोग होने की शिकायत हो सकती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नाजुक रह सकता है, इसलिए उनकी देखभाल करते रहें। छात्रों को पढ़ाई में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखें। इस सप्ताह आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। बात करें आपके प्रेम फल की तो प्रेम प्रसंगों के लिए सप्ताह के अच्छे रहने के योग हैं। खासकर सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके प्रेम में नवीन ऊर्जा का संचार होगा। सप्ताह के मध्य में कुछ चिड़चिड़ापन व क्रोध से बचेंगे तो परिणाम काफ़ी अच्छे मिलेंगे। वहीं सप्ताह के अंत में भी अनुकूलता बनी रहेगी। ऐसे में बातचीत से गिले शिकवे दूर होंगे व प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। भाग्य स्टार के रूप में सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार और उपाय के रूप में अपनी बाजू अथवा कलाई में कच्ची हल्दी की गांठ धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। हम आशा करते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए उन्नतिदायक सिद्ध हो
और आप प्रसन्नता का अनुभव करें। पुनः आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।